बलौदाबाजार जिला से स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा किए गए डांस का वीडियो सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ी गीत ए वो दौना पान आगी लगा दे बेका मोला बैया बना दे बेका गाना बजाया जा रहा था। ये सुनते ही लड़के लड़कियां झूमने लगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी सिंगर और एक्टर अनुज शर्मा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल शामिल हुए थे। अग्रवाल ने कहा कि यदि बात करें देश की आजादी के पहले की, युवाओं को उस वक्त ऐसा परिवेश नहीं मिल पाता था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद युवाओं के मार्गदर्शक बने। उन्होंने देश की युवा शक्ति को जागृत कर उसे देश के प्रति कर्तव्यों का बोध कराया और उन्हें सही दिशा में प्रेरित कर प्रोत्साहित किया था। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से कॉलेज छात्र छात्राओं का अभिनंदन समारोह पलारी में आयोजित की गई थी। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। यहाँ छात्रों ने अलग अलग प्रस्तुति भी दी और कार्यक्रम का जमकर आनंद भी लिया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे छत्तीसगढ़ी कलाकार अनुज शर्मा ने भी छात्र छात्राओं से बात की और उन्हें कई तरीका से गीत भी सुनाया। उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि मैं गांजा पीना स्वीकार नहीं करता और न ही रखना बिक्री करने वाले लोगों की भी समर्थन करता हूँ। अनुज के गीत पर छात्रों ने खूब डांस किया। कार्यक्रम में डीजे भी लगाया गया था, जिसमें सभी छात्र छात्राएं नाच रहे थे। इस बीच जब छत्तीसगढ़ी गीत बजना शुरू हुआ तो छात्र छात्राएं अपने आप को रोक नहीं सके और एक साथ बड़ी संख्या में सभी नाचने लगे। कार्यक्रम के दौरान गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि युवा पीढ़ी किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो शरीर सीधा खड़ा नहीं हो पाता, अर्थात रीढ़ के क्षतिग्रस्त होने पर शरीर का विकास होना भी संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से देश के विकास के लिए विकास की रीढ़ यानी युवा वर्ग की मानसिकता का स्वस्थ रहना है और यह बेहद जरूरी है। इसे भी जरूरी होता है वैसे परिवेश का होना जहां युवा वर्ग की मानसिकता स्वस्थ रह सके। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।